मैं आपको पिछले 30 दिन का एक रिकैप देना चाहता हूं। उससे आपको नए भारत की स्पीड और नए भारत का स्केल दोनों का पता चलेगा। 23 अगस्त की वो तारीख, पूरी दुनिया ने भारत की आवाज सुनी, इंडिया इज ऑन द मून। इधर मून मिशन सफल हुआ, उधर भारत ने अपना सोलर मिशन लॉन्च कर दिया। भारत के प्रयास से ब्रिक्स कम्युनिटी में 6 नए देश शामिल हुए हैं। साउथ अफ्रीका के बाद मैं ग्रीस गया था, ये 40 साल में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। इंडोनेशिया में भी अनेक वर्ल्ड लीडर से मीटिंग हुई। इसके बाद G20 में इसी भारत मंडप में दुनिया के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर 100% सहमति तो इंटरनेशनल हेडलाइन बनी हुई है। भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थायी सदस्य के रूप में उसको स्थान मिला। ग्लोबल बायोफ्यूअल्स अलायंस का नेतृत्व भी भारत ने किया। हम सभी ने मिलकर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाने का भी फैसला लिया है। सऊदी अरब भारत में $100 बिलियन का निवेश करने जा रहा है। भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में मेरी कुल 85 वर्ल्ड लीडर से मीटिंग हुई है। जब नए नए देश भारत के साथ जुड़ते हैं तो भारत के लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज बनती हैं, हमें नया साथी मिलता है, नया मार्केट मिलता है और इन सब का फायदा मेरे देश की युवा पीढ़ी को होता है। पिछले 30 दिनों में SC ST OBC के लिए, गरीबों और मिडिल क्लास के लिए कई कदम उठाए गए। PM विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई। रोजगार मेला लगाकर बीते 30 दिन में 1 लाख से ज्यादा नौजवानों को केंद्र सरकार में गवर्नमेंट जॉब दी गई है। देश के नए संसद भवन में पहला विधेयक पास हुआ जिसने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। द्वारका में अशोक भूमि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को हमने राष्ट्र को समर्पित किया। युवाओं को स्पोर्ट्स में अधिक अवसर मिले, इसके लिए मैंने वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भी शिलान्यास किया। 9 वंदे भारत ट्रेन्स को हरी झंडी दिखाई। मध्य प्रदेश में ही रिन्यूएबल एनर्जी, IT पार्क, एक मेगा इंडस्ट्रियल पार्क और 6 नए औद्योगिक क्षेत्रों पर काम शुरू हुआ है। जितने भी काम मैंने गिनाए हैं इनका सीधा संबंध युवाओं की स्किल से है, युवाओं के लिए जॉब क्रिएशन से है।